हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा आपको पता है और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि मैं आई हूँ मनाली में एक महीने के लिए वर्केशन करने के लिए। तो आज यहाँ पे मुझे एक हफ्ते हो गए हैं और सच बताऊँ, मतलब माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इफ आई टेल यू इज इतनी ठंड है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता। एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग लेजी एंड जस्ट सिटिंग ऑन द बेड इज जस्ट लाइक नॉट मोटिवेटिंग इनफ। तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है ये पूरा माहौल। एनीवेज, सुबह हो चुका है, आज तो धूप भी नहीं आई है। तो हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए और मैंने सोचा कि इजी और सिंपल तरीके से क्या बनाया जाए। तो मुझे याद आया कि बचपन में मम्मी या फिर अभी भी प्याज के पराठे विद चाय बनाती थी और वो बहुत टेस्टी लगता था। तो मैं सोच रही हूँ लेट्स ट्राई इट। तो प्याज तो मैंने काट लिया है, प्याज के साथ मैं थोड़ा आटा गूंद लूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक और आई डोंट नो व्हाट एल्स टू पुट बट कुक करके तवे पे सेक दूंगी एंड देन आई विल मेक सम टी। आटा मैंने बना लिया है, अब इसकी रोटी बनाऊंगी सेक कर तवे पे। बट उससे पहले आप बताओ कि आपको विंटर ज़्यादा अच्छा लगता है या समर। मतलब मैं पहले विंटर पसंद किया करती थी, मुझे विंटर्स बहुत पसंद था। बट रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड टू बी अ मोर समर पर्सन बिकॉज आई फील मोर फ्री, क्योंकि विंटर्स में आई हैव जस्ट बीन लेजी एंड इन माई बेड एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल। सो यस, नाउ लेट्स गो एंड कुक सम पराठे। ये बन गई है हमारी बहुत ही परफेक्ट सी रोटी और खा कर पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है। वैसे स्मेल अच्छी आ रही है और ठंड में चाय के साथ आप रोटी या फिर ऐसा कुछ भी खाते हो तो बहुत मज़ा आता है ना। और शेट, आपको दिखाते दिखाते ये रोटी तो ऑलमोस्ट जलने वाली थी, बच गई। तो मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है एंड आई कांट वेट टू ईट बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। नॉट बैड, इट्स नाइस। और यहाँ बैठे बैठे बस मैं यही सोच रही थी कि मेरा कल कैसा होगा, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल के बारे में सोचकर हम कैसे आज को जीना भूल जाते हैं ना।